आज का एपिसोड शुरू होने से पहले वादा है मेरा आपसे, आज का सूर्योदय आपकी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह में गिना जाएगा। और अगर आप इसे महसूस करेंगे तो ये सूर्य की चमक से आप वहीं बैठे बैठे आंखें मूंद लेंगे। एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं लगभग 4:30 बजे ही उठ गया था। रात भर बारिश हुई थी, भाई मुझे ना कपकपी हो गई, कभी कभी हो जाती है ना, थोड़ी छत भी टपक रही थी, लेकिन अब मौसम साफ है। नीला जलने का? हाँ, रिस्की है ना, कोई नहीं, हम लोग हो गया आते हैं। चलो आराम करो आप। दादाजी को हार्ट की परेशानी है तो इतनी ऊंचाई पे उन्हें लाना सही नहीं था। कोई बात नहीं, उन्हें वीडियो दिखाएंगे। टाइम हो रहा है 5:20 और सब सो रखे हैं। और हम वापस से चढ़ रहे हैं चंद्रशिला को। तो अभी तो अंधेरा हो रहा है, बट कोशिश ये है कि चंद्रशिला पीक से सनराइज लेना है। देखते हैं कितने टाइम से पहुँचता अपन। मौसम बिल्कुल क्लियर है। कभी कभी मन में आता है कि काश यही किसी गांव में मेरा घर होता। रोज सुबह एक चोटी चढ़ जाता, फिर मस्त धूप सेक के नाश्ता करने के लिए घर वापस। क्या मांग सकता है इंसान अपनी सुबह से इससे ज्यादा। ब्यूटीफुल, बहुत हिम्मत वाली बात है। हाँ हाँ जी बिल्कुल लीजिए आप। भाई भी ढेर हो गया आगे। फाइनली महादेव के द्वार में। हर हर महादेव, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जोश से, जय बोले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा रह गया बस, कम ऑन। इसको देख के तो यार मुर्दे भी जाग जाए। ब्यूटीफुल, जय बोले बाबा। इतना सही आ गया यार, एपिक क्रिस्टल क्लियर। अब देखो जा लेकर है ना, फुल जन्नत। ओह फाइनली जो है सनराइज से थोड़ा पहले अपन पहुंच चुके हैं, अब तसल्ली से बैठेंगे। साइट्स होगा सनराइज। ये वो लम्हा है जब सबके दिल की धड़कनें सूर्य की पहली किरण के लिए धड़क रही थी, जिस पल में बेचैनी और उत्तेजना दोनों बसे थे, और अब इसी पल में ये धरती सुनहरे रंग से सजने वाली है। और आप इस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कीजिएगा। Thank you.
हम लोग जो हैं कार्तिक स्वामी भी गए थे और वहाँ भी हमने पीक्स देखी थी। इसके बाद हम अली बेदनी गए थे वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमने पीक्स देखी, पर्वतों को अच्छे से देखा, लेकिन बिना ऐसा लगा बिना किसी मेहनत के जैसे कोई फल मिलता है। यहाँ पे हम बड़े आराम से बड़ी शिद्दत से बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। चंद्रशिला राम और रावण से जानी जाती है। रावण एक ब्राह्मण थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे, ये बात राम जी जानते थे। उनकी नज़रों में रावण का वध करना एक पाप था और इस पाप से मुक्त होने के लिए राम जी ने इसी जगह बैठ के तप किया था, शिव जी की आराधना की थी। अब तो भगवान का अर्थ सिर्फ ये लगाया जाता है जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, जो आपके सारे दुख हर लेंगे। एक शक्ति है जो तुम्हें एहसास होगा तुमसे बड़ा कुछ है, जहाँ तुम हाथ जोड़ सकते हो, सर झुका सकते हो और घुटने टेक सकते हो, जहाँ तुम बिल्कुल खुद को समर्पण कर सकते हो, जहाँ तुम हर उस गुनाह की माफ़ी मांग सकते हो जो शायद तुम बोल भी नहीं सकते लेकिन तुम जानते हो तुमने किया है, जहाँ एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, खुद को पढ़ सकते हो, वो है भगवान। हलक से उतरता पानी, रगों में बह रहा खून, हिमालय से बर्फीली हवाएं और सूर्यदेव की चमक, सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल वैसा ही नहीं हो गया जैसा सोचा था, मतलब परफेक्ट ना। हाँ हाँ, मतलब ऐसे बैठेंगे और देखेंगे और कोई नहीं है। इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूँ, कुछ फल, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स लेके आया हूँ, तो अब 2-3 घंटे तसल्ली से बैठेंगे। सभी यात्री सूर्योदय देख के नीचे उतर गए थे, तो बस अब मैं और अजीत चंद्रशिला पर बैठे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रनाथ पर्वत पर हमने फतह पा ली हो। कितना जूसी है ये, तो पानी दे रहा है ना। हाँ, तो मैं भक्ति की बात कर रहा था। मॉडर्न और फैशनेबल तरीके से देखोगे तो मेडिटेशन, ध्यान करना, इस चाह में कि मानसिक रूप से आप बेहतर होंगे, एनलाइटमेंट, अवेकनिंग, सुख शांति मिलेगी, आपका निशाना भविष्य पे है या उसके परिणाम पे। क्या इसे भक्ति कहा जाएगा? थोड़ा और आसान करते हैं। अगर आप इस क्षण में बैठकर भी इस पल के लिए सचेत नहीं हो, भविष्य में कुछ होने की, कुछ पाने की कामना करते हो, क्या इसे मेडिटेशन कहा जाएगा? देखो, मूल तौर पर देखा जाए तो अंदर ही राम और रावण बसे हैं और आपके हर एक थॉट में, हर एक डिसीजन में दोनों की आवाज़ गूंजती है, कभी राम जीतता है तो कभी रावण। लेकिन सुख आपको राम जी के जीतने से ही मिलेगा और जब जब अंदर का राम जीतता है तो समझना आपने अपने अहम, अपने ईगो, अपने रावण को हरा दिया। और अगर आप अपने हर एक थॉट में इतनी स्पष्टता, इतनी शुद्धता लाते हैं तो आप ध्यान में ही हैं, फिर चाहे आप हिमालय पे बैठे हो या अपने घर पे। पर्वतों पर धूप पड़ने से वो इतनी तेज चमक रहे हैं कि आप उनसे बहुत देर तक नजरें नहीं मिला सकते, लेकिन आज जिस शिद्दत से चौखंबा के सारे रंग देखे, मजा आ गया। सूर्योदय होने से पहले का, सूर्योदय होते हुए का और सूर्योदय होने के बाद का। आज मौसम इतना साफ है कि जहाँ तक नजरें जा रही हैं सब कुछ चमक रहा है, शायद ही किसी और जगह से ऐसा नज़ारा देखने को मिले। और इसी वजह से तुंगनाथ को चोटियों के स्वामी कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ पीक्स। ठीक हमारे पीछे जो शिवलिंग आप देख रहे हो वो पंचमुखी शिवलिंग है, जिसके बहुत से महत्व हैं, लेकिन मूल तौर पर यह शिव के 5 रूपों को बतलाता है। कहा जाता है कि इन्हीं 5 रूपों से पंच तत्वों का निर्माण हुआ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। इसकी डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा,
एनीवेज, नीचे उतरने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी हमारे साथ मिलकर इन ग्रेटर हिमालयाज को प्रणाम करें और इनकी तस्वीर हमेशा के लिए दिल में उतार लीजिए। थोड़ा सा फिल्मी हूँ मैं, तो एक छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी हमेशा से ही कि मस्त हैट पहन के हिमालय को देखते हुए अपना फेवरेट काउबॉय वाला म्यूजिक सुनूंगा। मेरी इस नादानी में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपने करा ब्रेकफास्ट? ना ना। क्यों? आप आए नहीं। अरे यार ऐसा क्या है, हम लोग तो वैसे ही पेट भर रहा था हमारा। नाश्ता करेंगे, नाश्ता करते हैं आराम। हाँ, फिर एक बार दर्शन कर लेते हैं फिर निकलते हैं। जाते जाते हमने सोचा कि एक बार और तुंगनाथ महादेव के दर्शन दादाजी के साथ बैठकर कर लेते हैं। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो अपने देश में धर्म का कल्चर का बड़ा बोलबाला है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें मानी जाती हैं जिसमें इंसान का अपना स्वार्थ छिपा है। पहले तीर्थ करवाना एक परंपरा थी, जब घर में बड़े बुजुर्ग खुद से कहीं जाने में समर्थ नहीं होते थे तो उनके बच्चे उनको लेके जाया करते थे। मैं किसी मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, बस बात की जड़ को समझिएगा। सिर्फ अपने देश में ही ऐसा होता है जहाँ माता पिता आपकी उंगली अपनी आखिरी सांस तक पकड़े रखते हैं, फिर अपना कर्तव्य भी बनता है कि उनको तीर्थ करवाएं, उम्र के आखिरी पड़ाव में वो अपनी ज़िंदगी को सचेत मन से झांक के देख सकें और सबसे महत्वपूर्ण इस शरीर को सचेत मन से त्याग सकें। मैंने मध्य महेश्वर, केदारनाथ और तुंगनाथ की यात्रा कर ली है और मेरा वादा है आपसे, जिस दिन आपको चौथा केदार रुद्रनाथ दिखाऊंगा उस दिन से आपकी हर एक सांस में शिव का नाम होगा। राम राम। बस बस पहुंच गए, अब आप पहुंच गए मोक्ष के द्वार। हर हर महादेव। एक बात मैं बताना भूल गया आपको, ये जो पहाड़ी है ये है रावणशिला, जहाँ रावण ने तप किया था, तो ये पूरा पर्वत ही महापुरुषों की तपस्थली रह चुका है। अब वापस से क्लाउड आने लगे, बड़ा पपन, नीचे जाने का वक्त हो गया।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो भाई, जय भोलेनाथ। बस ये जो बैंड दिख रही है, बस वो दिख रहा है वहाँ पे वाइट वाइट, वो वही मंदिर है, बस थोड़ा सा है। हर हर महादेव। चलो छोटो, बस अब थोड़ा सा रह गया, भागो। रेलिंग का फुल सपोर्ट। ओम नमः शिवाय। अरे आपका यूट्यूब चैनल है ना? हाँ हाँ। अरे हमने आपका केदारनाथ के लिए प्लानिंग के लिए बहुत रेफरेंस लिया था यार। अच्छा, सच में बहुत मदद हो गया। थैंक यू। ए अब बग मी तुला सीरीज पाठवलेली हो पूर्ण एपिसोड 1 पासून यांची दे। कहां से हो आप लोग? पुणे महाराष्ट्र। ओ नवीन। हां नवीन भाई, आपका नाम? आने से पहले आपके व्लॉग देखे? आपका सब व्लॉग देखा, फिर हम पूरा प्लान किया। हां बढ़िया, सब बस वही देख रहे हैं। जय भोलेनाथ। इस सफर में बहुत से ऐसे लोग मिले जो मुझे मेरे काम से जानने लगे हैं। मंदिर में जब पूजा कर रहा था तो बहुत से लोग मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे। पहले मुझे लगा माचिस मांग रहे होंगे, फिर बाद में समझ आया। एनीवेज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक पूरे साल चलता है, तो अगर आप चाहें तो सर्दियों में यहाँ आके बर्फ के मजे ले सकते हैं और दर्शन के लिए मक्कू मठ जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। जय बात, जय भोलेनाथ। कौन सी वाली है दादी? जब डोली आती है ना, आते जाते आते जाते दोनों टाइम यहाँ पर बैठना। एक मेरे को भी दियो। सेट 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 सेट, बैठो 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 बैठो। ले कितना मुलायम है यार ये, मुलायम एकदम। ले ले ले, 1 2। ट्रेन हो रखे हो, टूरिस्ट ने ट्रेन कर रखा है। चलो बाय बाय। बिल्कुल मस्त करके घूम गए अपन और अभी फिलहाल वापस आ गए और ये हम पहुंच गए हैं। किस जगह का नाम क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और अभी आज आज का दिन फिर भणज बिताते हैं, थोड़ा सा गांव घूमेंगे, काफी लोगों से मिलेंगे। सी। मैंने सोचा दादाजी से पूछता हूँ कि सुबह उन्होंने क्या किया जब हम चंद्रशिला में थे। और बैठने जगह अलग से बैठता हूँ, बस माला जपता हूँ, ये माला है मेरी जेब में होंगी पूरी। और सवेरे 4 बजे से जपने शुरू कर दिया था, गले मिनट नहीं रखता हूँ, बस ठीक है। तभी बोर नहीं होते आप? फिर ऊपर मंदिर में गया, उन लोगों ने सपोर्ट किया पूरा। हाँ, फिर वहाँ पर भी माला जपी। हमारे साथ घूमने में मजा आया आपको कि नहीं आया? क्यों नहीं यार, आप तो एक सभ्य वर्ग है। इस जमाने में जरा गुंडे टाइप के होते हैं लोग, ऐसे नहीं, बिल्कुल सभ्य टाइप के हैं। धन्यवाद, आपके साथ रहने में हाँ जी लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। अरे मेरी यात्रा ही आपने वहाँ तक करवा दी हमें भी दादी, मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हमने मतलब हमने तीर्थ कर लिया हो जैसे। दादी के पास ले चलो मुझे। और सबसे बड़ा तीर्थ मेरा दादी है। मतलब भगवान ने इतना साथ दिया ना दादाजी, हम लोग इतने कष्ट कर करके चढ़ते थे, मतलब ऐसे ऐसा टाइम देखा हमने कि यार ठीक है आज हमको ये दिख जाए, लेकिन बड़ी बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आपके साथ गए ना हम बहुत लकी रहे दादाजी, सच में। मतलब ऐसा हुआ कि शाम मांगी तो शाम शाम मिली भगवान से, सुबह मांगी तो सुबह मिली, और दिल खोल के मतलब सब कुछ दिखाई दिया। शाम को कितने हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, सनसेट? वो भी पड़ गया था। हाँ सनसेट भी, और फिर बारिश भी। आप वहाँ से नीचे निकले। हाँ, फिर सुबह भी बिल्कुल आसमान साफ हुआ, मतलब जैसे बोलते नहीं कि जैसा हमने सोचा हुआ है। मतलब जब तक हम खाना खा रहे थे तब तक बारिश हुई, खाना खाया बारिश बंद, और मौसम साफ, और शाम को ऊपर बादल के साथ।
फिर रात में बारिश हुई, फिर सुबह मौसम साफ, जब सुबह चढ़ना था सब कुछ बहुत सही हुआ। हाँ जी, आज के सफर में इतना ही, अब आराम करेंगे और कल पूरा गांव घूमेंगे। बैरागी के किरदारों से फिर से मिलाऊंगा आपको और अगला और अंतिम एपिसोड बस सुकून का होगा।